कर लिया हां सर फर्स्ट पॉइंट ठीक है कोई बात नहीं मैं दोबारा दैट टेंपरेचर ठीक है द प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इन व्हिच अ लिक्विड सब्सटेंस changes into a gas rapidly on heating is called boiling Next point we get there. The temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. वेपर बनना शुरू हो जाता है यानी कि अपनी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ठीक है तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस को बोल देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक अच्छा उसके बाद थर्ड लिखेंगे गैस टू लिक्विड चेंज पानी में डालो और खूब स्टर करते रहो घुलेगा नहीं अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद जब सेटल डाउन हो जाएगा तो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन सर वाटर साइकिल में प्रेसिपिटेशन की बात है वाटर साइकिल में प्रेसिपिटेशन उसमें ये चीज है कि जब भी कभी हम एक्चुअली उस वो जो वाटर साइकिल वाली आप चीज बता रहे हैं ना उसमें ये होता है कि अगर हम किसी भी नेचुरल बॉडी से नेचुरल बॉडी यानी कि जमीन से अगर मान लीजिए हम पानी निकाल रहे हैं तो उसमें ना कुछ सॉल्ट्स मिक्स्ड होते हैं और कुछ सैंड के पार्टिकल्स भी होता है कुछ मड भी होती है तो उसमें क्या है कि उस पानी को निकाल कर अगर थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया तो थोड़ी देर बाद जो है जितनी भी मिट्टी है यानी कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे वो है वाटर साइकिल वाला ठीक है और इसमें ना एक चीज़ और होती है एक और एग्जाम्पल बताऊँगा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आप ये सोचिए कि जैसे ये फैन चल रहा है फैन को देखकर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अब मैं इस फैन से
मान लीजिए इसके चार ब्लेड्स हैं, मैंने चार ब्लेड से एक एक जो है थ्रेड लटका दिया और उस थ्रेड पे मैंने एक एक बॉल लटका दी, बॉल मैंने बांध दी। अब हमने क्या करा, हमने तेज़ी से मतलब हमने फैन को ऑन कर दिया, फैन धीरे धीरे घूमेगा, तो जो वो थ्रेड्स थे और जो बॉल्स लटकी हुई थी ऐसे नीचे, अब क्या होगा कि वो फैन जैसे चलना शुरू होगा, तो धीरे 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 करके क्या होगा कि वो जो थ्रेड्स हैं वो भी ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे और जो वो बॉल्स हैं, बॉल्स और थ्रेड, वो पूरा का पूरा सिस्टम आपको ऐसा लगेगा कि फ़ैन, इतना बड़ा बड़ा फ़ैन घूम रहा है ऐसे लगेगा। तो क्या चीज़ है कि जो चीज़ इस तरीके से थी वो चीज़ अब ऐसे हो गई है, ठीक है, मतलब जो थ्रेड ऐसे लटके हुए थे वो थ्रेड अब ऐसे हो गए, समझ गए, ठीक है। ऐसा आपको प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, कई बार भाई ऐसा भी होता है कि बर्थडे वगैरह तो हमने बलून लटका दिए, ठीक है, अब हमने फ़ैन चलाया तो वो ऐसे हो जाते हैं बलून खोल कर, वो फ़ैन बहुत बड़ा बड़ा लगने लगता है, बच्चों के लिए बड़ा फन हो जाता है उसमें, और उसके लिए थोड़ा सा ये कर देते हैं कि भाई बलून है, बलून को फुलाने से पहले उसके अंदर दो चार टॉफी डाल देते हैं, अब वो बलून फूटेगा, घूमेगा तो फूटेगा, फूटेगा तो बच्चों को लगेगा अरे वाह आसमान से कोई टॉफी फेंक रहा है, ठीक, बस ये। तो आप ये देखिए कुछ इसी तरीके का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग, इसको चर्निंग बोलते हैं। हमने क्या करा, जो मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ पर बनते हैं, जो डेयरी होती है, मिल्क डेयरी जो होती है, तो उसमें आप ये देखिएगा वहाँ पर ना मशीन लगी रहती है ऐसे, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है इस तरीके से घूम रही है कोई भी चीज़, तो समझ लीजिए उसके अंदर मोटर है, ठीक है। अगर कार का व्हील घूम रहा है तो उसके अंदर मोटर है, अगर स्कूटर का व्हील घूम रहा है तो उसके अंदर मोटर है, मोटर ही वो चीज़ है जो रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मोटर है, फैन के अंदर मोटर लगी हुई है, ठीक है। जब फैन काफ़ी पुराना हो जाता है तो कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब इसकी ना मोटर फंक गई है, मोटर चेंज करा लो इसकी, तो मोटर उसका एक तरह से हार्ट है ये समझ लीजिए, ठीक। इसी तरीके से हम ये कहें कि यहाँ पर लैपटॉप चालू है, तो लैपटॉप के अंदर जो है वो उसके अंदर भी एक फ़ैन होता है जो कि उसके सिस्टम को कूल डाउन रखे, आपने कभी साइड में देखा हो तो उसमें से गर्म गर्म हवा फेंकता रहता है बाहर, तो उसके अंदर भी फ़ैन है इसका मतलब एक छोटी सी मोटर उसमें भी लगी हुई है। तो अब हमने क्या करा, ये एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर एक ऐसा रिंग बना हुआ है, ऐसे ही एक ऐसा रिंग बना हुआ है, एक रिंग ऐसा है और एक रिंग इस तरीके से। एक्चुअली ये जो मैंने टेढ़ी लाइन दिखाई है इसका मतलब क्या है कि ये रिंग पीछे की तरफ है, ऐसे स्ट्रॉन्ग सा कुछ मेटल वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लटका देते हैं ऐसे, एक दो तीन चार, और ये जो है ये जो बीच में जो सेंटर पर जो घूमने वाली चीज है उसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ये कनेक्टेड है एक मोटर के साथ, दिस इज मोटर, ये मोटर के साथ कनेक्टेड है। मोटर का क्या काम है कि ये यहाँ पर स्विच बोर्ड में लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको ऑन करेंगे तो ये मोटर घूमेगी, जब मोटर घूमेगी तो इसके साथ में जो ये ऊपर एक्सल इसका कनेक्टेड है ये एक्सल भी घूमेगा, एक्सल जब घूमेगा तो ये वाला जो हिस्सा है ना टेस्ट ट्यूब वाला, टेस्ट ट्यूब जो इस तरीके से थी वो टेस्ट ट्यूब इस तरीके से हो जाएगी धीरे 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 धीरे, जब वो स्पीड पकड़ेगा पूरी तेज घूमेगा, तेज घूमेगा तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, चारों ऐसे हो जाएंगे। अब उसके अंदर जो डेयरी है, डेयरी फार्म में क्या किया जाता है खास तौर पर, फार्म में तो नहीं अगर हम डेयरी शॉप्स की बात करें, जहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जो लोग हैं वो दूध लाकर उनको बेच देते हैं, और वो क्या करते हैं कि भाई हमने एक सेक्शन बना दिया यहाँ पर पनीर बनेगा, एक सेक्शन है यहाँ पर क्रीम निकाली जाएगी, एक सेक्शन है यहाँ पर दही बनेगा, है ना, तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर वो सारे बनते रहे। अब देखिए हमने क्या करा कि जब भी वहाँ पर कोई भी दूध या दूध लेकर आता है तो उसकी टेस्टिंग करी जाती है, तो इसमें भी टेस्ट ट्यूब में भी, इसमें भी टेस्ट ट्यूब में, इसमें इसमें सब में दूध डाल दिया गया। अब वो डालने के बाद में फिर इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो होता क्या है, मैं प्रेजेंटेशन वाली चीज़ बता रहा हूँ और ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये इस तरीके से घूमता है ना, तो घूमने के बाद में एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी लिक्विड में कोई भी चीज़ अगर हैवी है, लिक्विड में अगर कोई भी हैवी चीज़ है तो वो हैवी चीज़ तो नीचे बैठ जाएगी, और अगर कोई लाइट चीज़ है तो वो लाइट चीज़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है।
तो जो क्रीम होती है वो क्रीम हैवियर नहीं होती, लाइटर होती है, तो क्रीम ऊपर की तरफ आ जाती है। तो क्या होता है कि वो सबसे पहले कहेगा कि भाई आप मेरे को सैंपल दिखाइए, तो सैंपल दिखाया उसने, वो सैंपल उसके अंदर डाल दिया, उसको एक मिनट के लिए रोटेट करता है। जैसे ही वो रोटेट करता है तो उस चर्निंग में क्या होता है कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइटर मॉलिक्यूल्स ऊपर और हैवियर मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं। तो जैसे ही वो नीचे आ जाएंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि भाई मिल्क तो नीचे है और क्रीम ऊपर आ गई। तो अगर क्रीम आ गई तो इसका मतलब दूध में मिलावट नहीं है, दूध ठीक है, ठीक है, लैक्टोमीटर बोला जाता है इसको, ठीक। और ये डेयरी में जिस जो भी कोई डेयरी शॉप है वहाँ पर लैक्टोमीटर जरूर मिलेगा, ठीक। तो ये उसको चेक करने की डिवाइस होती है। अच्छा, तो जो ये प्रोसीजर है इसमें आप एक दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें ना बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कोई भी चीज़ जो किसी भी लिक्विड में नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाए, बॉटम में डिपॉजिट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। एक चीज़ होती है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ना फिल्टर आउट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर में चाय बनती है, तो जब चाय को छानते हैं तो वो जो छन्नी है उसमें जो मटीरियल बचता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यू, ठीक है। तो फिल्टर आउट करते टाइम जो फिल्टर में छन्नी को एक्चुअली फिल्टर बोलते हैं, वेस्ट कह दीजिए, या हाँ, या आप ये कह दीजिए जनरली क्या होता है कि अगर मुझे ज़रूरत है किसी ऐसी चीज़ की, मान लीजिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है, ठीक, तो मैग्नीशियम की ज़रूरत है और मैग्नीशियम जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने कहा कि वो तो पानी में मिक्स्ड है, तो हम उस पानी में अगर फिल्टर आउट करेंगे तो फिल्टर आउट करने के बाद जो मेरे पास बचेगा, ठीक है, जिसको वेस्ट बोल देते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास मैग्नीशियम होगी। तो मैग्नीशियम को अपने अलग 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 कंटेनर में रखते जाते हैं। जैसे ही हाँ उसमें टाइम लगता है, तो उसमें वो जल्दी करने के लिए उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई सभी को कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और रेजिड्यू क्या होता है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। गैस टू लिक्विड चेंज क्या है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रेशर कुकर। आपने देखा होगा कि अगर प्रेशर कुकर में कभी अगर देखा हो कि मम्मी ने जब प्रेशर कुकर खोला तो क्या होता है, तो जैसे ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन अंदर की साइड से पानी के ड्रॉप्स उस पर लगे रहते हैं, या कोई एक कंटेनर है उसमें पानी रखा हुआ है और हमने पानी उबलने के लिए लगा दिया। अब उसको क्योंकि वो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कपड़े से हटाया, जब उसको कपड़े से हटाकर देखते हैं तो पानी के बबल्स आ रहे थे बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो ऊपर प्लेट ढकी हुई थी वो प्लेट अंदर से पूरी गीली हो चुकी थी, जबकि पानी उसमें कहीं टच नहीं था कि वो पानी से टच हो रखी हो। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बस बिल्कुल उस पर पानी लगेगा तो ये वो ठंडा होता है। ठंडा मतलब ऐसा नहीं है कि वो बर्फ़ का होता है, पर ये उसका टेम्परेचर कम और ज़्यादा उसी को ठंडा बोलते हैं। काफ़ी गर्म होता है पर ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता उसका। अगर उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता तो वेपर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता वो, ठीक है, वेपर्स ही बन जाते फिर। लेकिन क्या है कि उसका टेम्परेचर 100 से तो कम ही होता है प्लेट का, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है वाटर के, तो उसका टेम्परेचर क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो टच होकर उसको कंडेंस कर देता है। कंडेंस मतलब ठंडा कर देता है, ये होता है तरीका, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जहाँ पर गैस जो है वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। सर, वेपर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है? वेपर का टेम्परेचर कम होता है, बहुत कम। मतलब अब ऐसा नहीं है कि फिर मैं वेपर को छू लूँगा। अगर हम ये कहेंगे कि वेपर है तो 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस होने के बाद ही तो वेपर हुआ, ठीक है। तो प्रेशर कुकर से जो भाप निकलती है वो हम थोड़ा दूर खड़े रहते हैं तो तब तो हमको लगता है कि अरे वाह मज़ा आ गया, ठीक है, खास तौर पर सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर प्रेशर कुकर से भाप निकल रही है उसके पास ही जाकर हाथ हाथ लगा देना, बहुत तेज़ गर्म होता है वो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा तभी वो वेपर बना। चलिए, गैस टू लिक्विड चेंज में आप नोट करें द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर। The process of changing a gas, or vapor to a liquid by cooling is called condensation.
इज कॉल्ड कंडेंसेशन. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, दिस इट इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग. तो वो ठंडा कहाँ से होता है? नहीं होता भाई, 100 से तो ज़्यादा ही है ना उसका टेम्परेचर. मैं वही कह रहा हूँ कि प्रेशर कुकर जो है, प्रेशर कुकर से जब वेपर निकले, तो जब वो वेपर निकला है ना, तो निकलते ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया. तो अगर आप बिल्कुल जहाँ से वो निकल रहा वहीं पर अगर आपने हाथ लगा दिया, तब तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है उसका टेम्परेचर. ठीक है, तो जितना 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 आप दूर करते जाओगे, उतनी देर उसको मिल गई, वेपर्स को उतना ही टाइम मिल गया एयर के कॉन्टैक्ट में आने में. ठीक है, तो एयर के कॉन्टैक्ट में आने में उतना ही टाइम लग गया, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है कि अब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा. ठीक है ना, नहीं तो सीधी तो भाप आप स्टीम ली होगी कभी, है ना, तो स्टीम भी एकदम से ही होता है कि भाई हटाओ इसको. अगर बहुत तेज हो जाती है तो उसमें भी ये रहता है कि भाई हटाइए इसको, क्योंकि पता चला चेहरा ही चल जाएगा उससे. ठीक है, तो हाँ, तो मतलब अगर मान लीजिए स्टीम कहीं पर बॉइलिंग हो रही है, तो जिस जगह बॉइलिंग हो रही है, मान लीजिए आपने एक कंटेनर ले रखा है और उस कंटेनर में बॉयलिंग हो रही है, तो क्या उस बॉयल जहाँ पर वो उबल रहा है उसी के पास मुड़े जाऊँगा क्या? क्योंकि जितना उसके पास हम चेहरा ले जाएंगे, उतना हमारा टेम्परेचर हमको क्या मिलेगा, 100 से उतना ही ज़्यादा मिलता चला जाएगा. तो हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा हमको स्टीम परेशान करने लगती है, तो हम थोड़ा सा अपना चेहरा पीछे कर देते हैं. पीछे करने से होता क्या है कि वही जो स्टीम थी, वो स्टीम को थोड़ा सा अब थोड़ी वो ठंडी हो गई है बाकी के एयर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में, बस इतना होता है. उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा ही है. ठीक है, लेकिन जैसे 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 ऊपर आता जाता है, तो वो ठंडा होता चला जाता है. इसीलिए हमारा चेहरा पूरा गीला हो जाता है उस टाइम. क्यों? क्योंकि वो ठंडा हो चुका है. ठंडा यानी कि कंडेंस्ड फॉर्म में हमको लग रहा है. ठंडा मतलब 80 डिग्री सेल्सियस है या 90 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 100 नहीं, 100 से कम. इसीलिए गीला गीला हो जाता है, समझ गए? ठीक है, चलिए जी. इसके बाद फोर्थ लिखेंगे, लिक्विड टू सॉलिड चेंज. सॉलिड चेंज को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. फ्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड
कंडेंसिंग मीन सॉलिडिफिकेशन, इट इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग. Which has to be supplied to change the state of a substance. Supplied to change the state of a substance is called its latent heat. Is called its latent heat. ये जो लेटेंट हीट है ना, ये लेटेंट हीट क्या होती है, ये ना छुपी हुई होती है. जैसे मान लीजिए हमने अपने हाथ पे, अब हमने ये कहा कि हमारे हाथ में कोई मतलब हीट है क्या, है ना. लेकिन क्या है कि वो ऐसा तो है नहीं कि हाथ को हम टच करेंगे तो हमको हाथ बड़ा ऐसे नहीं जल रहा है, जल रहा है बड़ा गर्म है, तो ऐसे नहीं दिखाई देगा. लेकिन होता क्या है कि उसके ऊपर अगर हमने एक आइस क्यूब रख लिया तो थोड़ी देर में क्या होता है कि आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होने लगता है.
तो अब होता क्या है कि उसी दौरान वो जो आइस क्यूब है, उस आइस क्यूब का क्या हम देखेंगे, क्या उस आइस क्यूब का टेम्परेचर चेंज हो रहा है? तो आइस क्यूब का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेटेंट हीट का खास चीज़ ये है कि अगर मैं डायरेक्टली हीट किसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ, तो डायरेक्टली जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्नर के ऊपर रख दिया, तब तो उसका टेम्परेचर पता है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ है वो उसको पिघला रही है, मतलब सॉलिड है, सॉलिड को पिघला रही है, तो सॉलिड को पिघलाने का मतलब क्या हो गया कि कैसे पिघला रही है, कि मतलब हमने कोई स्टोव लगा रखा है हाथ के ऊपर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हाथ में हिडन हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी उसके पास ट्रांसफ़र हो रही है, और ट्रांसफ़र होने में उसका सीधा सीधा जो है स्टेट चेंज कर रही है। हाँ, वो तब होता है जब हम हाथों को ऐसे रब करते हैं। तो हाथों को रब करने का मतलब क्या है कि इस हाथ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं और इस हाथ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का इंटर एटॉमिक जो कोलिजन है, हम उसको बार 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 ऐसे बढ़ा रहे हैं, तब हमको दिखाई देता है कि हाँ, हाथ हमारे गर्म हो गए। वो आइस का टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि उसने जो हिडन हीट है उस हिडन हीट को ले लिया, और वो जो हिडन हीट होती है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट सिर्फ स्टेट को चेंज करती है, और यही चीज़ लिक्विड में भी देखा जा सकता है। जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल को अगर हमने हाथ में ले लिया, तो हमको क्या होता है कि हमको, अच्छा इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है। एक्सचेंज क्या, कि जो उसकी हीट थी, जो उसकी एक्चुअली उसका जो टेम्परेचर था, उसका टेम्परेचर मतलब थोड़ी देर बाद जब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम हटा कर देखेंगे तो हमारा हार्ट ठंडा हो जाता है। जब हम बर्फ़ की बात कर रहे हैं तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। तो हाथ ठंडा कैसे हो गया, क्योंकि जो बर्फ़ थी, जो आइस थी, आइस का टेम्परेचर हमारे हाथ में ट्रांसफ़र हुआ, और जो हमारे हाथ का टेम्परेचर था वो आइस में ट्रांसफ़र हुआ। तो उससे क्या होता है कि जितना दिया टेम्परेचर, उतना ही टेम्परेचर ले भी लिया। तो हमने ये देखा कि वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, यानी कि कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने ऊपर वाली पॉकेट में 5 रुपीज़ डाले और नीचे वाली पॉकेट से 5 रुपीज़ निकाल दिए, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वही चीज़ इसमें भी होती है कि हाथ को उसने ठंडा कर दिया और हमारे हाथ ने उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया। लेटेंट हीट हाथ में होती है, लेटेंट हीट और भी चीज़ों में होती है। जैसे हम ये कहें कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करने लगे, हमने ऐसे खुले में भी अगर रख दिया, बर्फ़ को रख दिया, तो खुले में भी रखते हैं, तो हमने मान लीजिए किसी प्लेट पर रख दिया उसको, तो जब हम उसको किसी प्लेट पर रखेंगे तो वो जो प्लेट है ना, वो प्लेट थोड़ी देर में हमको लगेगा कि अरे प्लेट ठंडी हो गई है, ठीक है। तो और जो प्लेट पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर थी, अब बर्फ़ जो है, बर्फ़ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल की तरफ गया, तो क्या इसका मतलब बर्फ़ का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया? हमने कहा नहीं, जितना उसका बढ़ा उतना ही उसने उसको दे भी दिया। भाई बर्फ़ पिघली है ना, तो बर्फ़ पिघली है तो बर्फ़ पिघलेगी कैसे, कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, और जितना उसका बढ़ा था टेम्परेचर, वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर उसने वापस कर दिया, क्योंकि उसने उसको ठंडा कर दिया, ठीक है। तो जितना आपने लिया उतना ही आपने दे भी दिया। तो हीट का सिंपली एक्सचेंज होता है, तो हम ये बोलते हैं कि ये ऐसी हीट है क्योंकि दिखाई नहीं देती, ये हिडन हीट होती है। तो सर अगर आइस को हमने अपना वो हीट दी, हाँ, तो सर आइस तो गर्म हो जाएगी। वही मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जब हम कहते हैं ना, एक्चुअली ये टेम्परेचर की बात नहीं है, टेम्परेचर से इसका लेना देना नहीं, बेसिकली ये एनर्जी की बात है। और एनर्जी का एक रूल होता है कि एनर्जी रिमेंस ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है पूरे नेचर में, कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होती, बेकार नहीं जाती। तो ये ऐसा होता है कि जैसे हीट एनर्जी उसको दी, बर्फ़ को दी, तो बर्फ़ ने भी अपनी हीट एनर्जी का मतलब सिर्फ गर्म से नहीं है, हीट में आपका ठंडा भी आ गया और गर्म भी आ गया, दोनों चीज़ें। तो हीट एनर्जी हमने उसको दी, जिसने उसको पिघलाया, तो उसने हमारे हाथ को भी एनर्जी दी, जिससे वो हाथ थोड़ा सा ठंडा हो गया, बस ये चीज़ होती है। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है, लिक्विड अगर हमने हाथ में डाला जिसको हम मतलब इंस्टेंटली देख सकते हैं, तो पेट्रोल बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है इसका। ये पेट्रोल अगर हमने थोड़ा सा हाथ पर डाल लिया, तो पेट्रोल ना बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए तो वो हीट हमारे हाथ से ले लेता है और वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और हमारा जो हाथ है, फिर अगर हम हाथ को टच करें तो हाथ में ना कूलिंग सेंसेशन होने लगती है, ठंडा ठंडा लगने लगता है। कभी करके देखा है? हाँ, उसके साथ ही होता है ये चीज़, ठीक है। चले आगे, क्या चीज? एसीटोनिक आइसोटोनिक तो सुना, एसीटोन तो नहीं कह रहे? कहाँ पर सुना, कहाँ पर कहीं लिखा हुआ है बताओगे?
कुछ और बता रहे होंगे, कुछ और बता रहे होंगे, जैसे ये एक आइसोटॉनिक तो होता है, आइसोटॉनिक तो होता है, तो इसमें क्या मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम होता है टेम्परेचर का, मतलब टॉनिक का मतलब होता है टेम्परेचर, ये दो चीज़ें जो हैं वो अगर सेम टेम्परेचर पर है तो उसको आइसोटॉनिक बोल दिया जाता है, मुझे लगता है शायद ये चीज़ होगी, क्योंकि हम टेम्परेचर वाला ही पढ़ रहे हैं ना, और इसी चैप्टर ये चल रहा है, हाँ तो ये चीज़ बताइए होगी उन्होंने, आइसोटॉनिक मतलब सेम टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, तो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है आप। अच्छा एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो आप अभी कर रहे हैं ना नाइन्थ क्लास में, जो आप अभी नाइन्थ क्लास में कर रहे हैं बायोलॉजी में आइसोटॉनिक सॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो जो आप नाइन्थ क्लास में कर रहे हैं बिल्कुल ये सेम चीज़ जो है टेंथ क्लास में रिपीट होगी, इलेवंथ क्लास में रिपीट होगी, नाइन्थ में जो जो चैप्टर्स हैं यही चैप्टर्स आपके इलेवंथ क्लास में रिपीट होंगे। अब नाइन्थ में आप मोशन पढ़ रहे हैं, इलेवंथ में भी वही है, नाइन्थ में आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, इलेवंथ में भी वही है। तो ये इसमें बायो में तुमने वो वाला पढ़ा होगा, वो वाला सॉल्यूशन जो होता है जिसमें, हाँ वो वाला आइसोटॉनिक, तो ये आइसोटॉनिक होता है, एक होता है एडियाबैटिक, एक होता है आइसोथर्मल, वो सारी चीज़ें जो है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। चलिए जी आगे चलते हैं जरा। अब लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, एक वो होती है जो सॉलिड को लिक्विफाई कर दे, और एक वो होती है जो लिक्विड को वेपराइज कर दे, यानी कि इवेपोरेट कर दे। तो लिखेंगे latent heat does not cause a rise in temperature of the substance. Full stop. इसके बाद लिखिएगा why. अब question mark लगा देना. Question mark लगा देना. यहाँ पर अब आप लिखिए the latent heat. Answer करके लिखना. The latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance during the change of state. समझाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट में ऐसा क्या होता है कि बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन मतलब लिक्विड है तो वो गैस बन जाएगा और अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा क्या होता है कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो आप ये कहेंगे लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओवरकमिंग, तो ओवरकमिंग का मतलब वही है कि जितना लिया उतना ही दे भी दिया, तो आपने ओवरकम कर दिया उस इफेक्ट को। डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन में क्या होता है हायर से लोअर की तरफ चेंज मूव करती है, डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, डिफ्यूजन तो अलग चीज़ है, ठीक। हाँ जी, टेम्परेचर राइज नहीं होता, सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट लेटेंट हीट में बस इतना काम। अब लेटेंट हीट दो तरीके की, लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
latent heat of vaporization. Latent heat of fusion or latent heat of vaporization. लिखिएगा अच्छा मैं से किसी ने मेरे को बताया था कि डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन के तीनों में मतलब चेंज इंटरचेंज करना टेम्परेचर को हाँ अच्छा अच्छा चलिए मैं करवा दूंगा साइंस में करवा दूंगा याद दिला दूंगा मुझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ब्रैकेट में लिखना सॉलिड टू लिक्विड चेंज सॉलिड से जो लिक्विड होता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन going into boiling water but not increasing its temperature कल के लिए डाल दूंगा जिन बच्चों ने नया ज्वाइन करा
उनको शुरुआत वाले मतलब मैं करवाऊँ, मैं ग्रुप को मैसेज करूँगा, अगर कोई पुराना बच्चा भी आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, ठीक है ना, कल के लिए।